देश को कोरोना ने लॉक कर दिया था, मगर धीरे धीरे अब अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाल ही में झारखंड में भी अनलॉक 5 प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जी हां, अनलॉक 4 1 जुलाई यानी कि कल खत्म हो जाएगा, जिसके बाद कुछ चीजें खोलने को लेकर विचार चल रहा है, लेकिन अभी इसको लेकर निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य में लॉकडाउन की स्थिति को लेकर आज या कल तक कोई फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में इस बात को लेकर निर्णय लिया जाएगा कि आगे छूट दी जाए या अभी ऐसे ही स्थिति को बनाकर रखा जाए। हालांकि राज्य में दी गई राहत के बाद जनजीवन थोड़ा सामान्य हुआ है। दूसरी ओर अब तक राहत से वंचित रहे अनलॉक 5 में छूट देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि अभी राज्य में बस परिवहन, जिम संचालन, पार्क, शिक्षण संस्थान आदि सब बंद है। बस एसोसिएशन, जिम संचालक आदि सरकार से राहत देने की मांग कर रहे हैं। शिक्षण संस्थान, प्राइवेट कोचिंग सेंटर आदि भी खोलने की मांग की जा रही है। अब यह देखने वाली बात होगी कि सरकार अनलॉक 5 में कितनी राहत देती है, क्योंकि राज्य में भले ही कोरोना का संक्रमण खत्म हो गया हो या कम हो गया हो, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर भी देखने को मिले। कहा जा रहा है कि जुलाई के अंत तक राज्य में कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है।